झुंझुनू एसीबी की टीम ने आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रदेश के नंबर वन बीडीके अस्पताल के नेत्र सहायक और उसके गार्ड को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीएमओ की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी जांच भी एसीबी कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीएससी सुल्ताना के फार्मासिस्ट जयप्रकाश मीणा के पैर का फ्रैक्चर गत दिनों हो गया था, जिसके बाद वह 61 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा था। इसका मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जब जयप्रकाश काम पर लौटा तो अस्पताल प्रभारी ने मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट बनवाकर लाने को कहा, जिस पर जयप्रकाश आज सुबह बीडी के अस्पताल पहुंचा तो पीएमओ डॉक्टर शीशराम गोटवाल ने इसके लिए नेत्र सहायक महेंद्र सिंह से संपर्क करने की बात कही। महेंद्र सिंह ने 61 दिनों के मेडिकल के प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से 6100 रुपये रिश्वत के मांगे, जिसमें 5,000 रुपये आज और 1,000 रुपये बाद में देने पर सहमति बनी। आज 5,000 रुपए लेकर परिवादी पहुंचा तो महेंद्र ने वहां पर मौजूद गार्ड प्यारेलाल को पैसे देने की बात कही। इसके बाद जयप्रकाश ने प्यारेलाल को 5,000 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद ही प्यारेलाल और महेंद्र ने पैसे बांट लिए, जिसके बाद एसीबी ने दोनों को दबोचा तो महेंद्र के पास से 4,000 और प्यारेलाल के पास से 1,000 रुपए जब्त कर लिए। श्री जयप्रकाश मीणा फार्मासिस्ट पीएचसी सुल्ताना जिला झुंझुनू ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसका आज 23/5/2018 को सत्यापन करवाया गया। परिवादी का दिनांक 16/11/2017 को दुर्घटना में बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था। दिनांक 16/11/17 से 5/1/2018 तक 61 दिन तक वह बीडी के अस्पताल में अंडर ट्रीटमेंट रहा है, जिसका प्रमाण पत्र उसको दे दिया गया था। इस प्रमाण पत्र को परिवादी के खंड खेतड़ी ने नहीं माना और ये कहा कि आप इसको मेडिकल बोर्ड से करवा करके लेकर आओ। जब परिवादी ने मेडिकल बोर्ड के लिए पीएमओ से संपर्क किया तो पीएमओ ने नेत्र विभाग में कार्यरत श्री महेंद्र सिंह नेत्र सहायक से संपर्क करने को कहा। श्री महेंद्र सिंह से परिवादी ने जब संपर्क किया तो कहा कि 6,000 रुपये लगेंगे, यानी एक दिन के 100 रुपये पर डे के हिसाब से 61 दिन के 6100 रुपये। फिर इनकी सहमति 6,000 रुपये पे हुई, जिसमें से 5,000 रुपये इसने आज ले लिए और 1,000 रुपये बाद में देने के लिए कहा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के आदमी हैं, ये फार्मासिस्ट है और वो यहाँ नेत्र असिस्टेंट है, तो उसने उसको विश्वास करते हुए कि 1,000 रुपये तू बाद में दे देना। तो आज 5,000 रुपये इसने लेकर के 5,000 रुपये जब इसको ट्रैप कार्रवाई के दौरान 5,000 रुपये परिवादी लेकर के गया तो इसने वहाँ नेत्र विभाग के सामने कार्यरत कार्ड श्री प्यारेलाल मेघवाल को देने को कहा। परिवादी ने 5,000 रुपये प्यारेलाल मेघवाल गार्ड को दे दिए। उसके पश्चात प्यारेलाल से श्री महेंद्र सिंह नेत्र सहायक ने 4,000 रुपये खुद के अपने पास रख लिए और 1,000 रुपये गार्ड को दे दिए। दोनों से रिश्वती राशि अलग अलग बरामद हो चुकी है और दोनों को ट्रैक किया गया है।